अवार्डपुरा में विधायक कलेक्टर में बहस, कांग्रेस प्रत्याशी पाठक बोले कितनी बचाओगे भाजपा की, कलेक्टर ने कहा तो क्या आपकी सुने। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आई शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। ग्वालियर के मुस्लिम बाहुल्य इलाका अवार्डपुरा में वोटिंग की धीमी रफ्तार को लेकर ग्वालियर दक्षिण से वर्तमान विधायक यहां कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने कलेक्टर से कहा कि कब तक बचाओगे भाजपा की, कलेक्टर हो कलेक्टर की तरह रहो। इस पर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने जवाब दिया कि तो क्या आपकी सुने। कांग्रेस प्रत्याशी का आरोप था कि दोपहर 2 बजे के बाद से लोग लाइन में लगे हैं लेकिन उनको वोट नहीं डलवाए जा रहे हैं, जबकि कलेक्टर ग्वालियर का कहना था कि वह अपना काम कर रहे हैं। इसी को लेकर दोनों के बीच अच्छी खासी तू-तू मैं-मैं हो गई। काफी देर तक बहस होती रही लेकिन दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं थे। रात 9:30 बजे तक वहां वोटिंग हुई। इसके अलावा बहोड़ापुर इलाके में एक कार्यकर्ता से मारपीट को ग्वालियर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा व दक्षिण से विधानसभा प्रत्याशी प्रवीण पाठक धरना पर बैठ गए थे। किसी तरह उनको समझाया गया। ग्वालियर में शुक्रवार को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। छोटी मोटी झड़प के अलावा कहीं भी कुछ बड़ा नहीं हुआ है, पर मतदान खत्म होते होते अवार्डपुरा इलाके में हंगामा हो ही गया। शाम 6 बजे जब मतदान खत्म हुआ तो वहां एक सैकड़ा से अधिक मतदाता वोट डालने के लिए खड़े थे। शुक्रवार का दिन जुमे की नमाज का दिन था। अवार्डपुरा में 90% आबादी मुस्लिम होने पर यहां शाम 4 बजे के बाद ही अचानक वोटर्स पहुंचे हैं। जब 6 बजे तो यहां पर प्रशासन ने लाइट का इंतजाम करते हुए वोटिंग का इंतजाम कराया। वोटिंग का प्रतिशत धीमी होने पर वहां ग्वालियर दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। यह मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है। कांग्रेस प्रत्याशी का आरोप था कि कलेक्टर जानबूझकर लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं। यहां कलेक्टर और कांग्रेस प्रत्याशी का आमना सामने होते ही दोनों में तीखी बहस हो गई। दोनों एक दूसरे को उंगली दिखाकर बातचीत कर धमकाते और समझाते हुए नजर आए हैं। काफी देर हंगामा के बाद हालात संभलने और रात तक वोटिंग कराई गई है। बहोड़ापुर थाना घेरा किया हंगामा। इसी समय दूसरी और ग्वालियर विधानसभा के बहोड़ापुर इलाके में वोटिंग के आखिरी समय में कार्यकर्ता से मारपीट व वोट न डालने के विवाद पर ग्वालियर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा बहोड़ापुर थाना के बाहर धरना प्रदर्शन करने बैठ गए। यहां दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक भी वहां पहुंच गए और हंगामा किया। यहां पुलिस ने दोनों पक्षों पर क्रॉस मामला दर्ज किया है। ये क्या है, ये आपके इलेक्शन एजेंट है क्या? नहीं, ये गलत, ये बात ये तरीका है, ये क्या क्यों खड़े इतने लोग जा रहे बाहर मेरे कहने पे? नहीं नहीं, मतलब अच्छा आपसे बात करना कौन चाहता है? बहस आप करते हो? नहीं, माफी नहीं बात करना, बिल्कुल नहीं कर, बिल्कुल मत करिए। अरे आप बिल्कुल मत करिए, आपको 10 बार मैंने कहा था कि आप ज्यादा वोट लगा रहे हैं। अरे क्या लगे लगातार, ये हाल है, हाले हाल में। अरे कितना करोगे, कितना बजाओगे बीजेपी की, कितना बजाओगे बीजेपी? कलेक्टर हो, कलेक्टर हो, कलेक्टर रहा करो, कलेक्टर हो, कलेक्टर इधर रहा करो। अरे एवरीबॉडी, अरे आई डोंट वांट टू डिस्कस, यू डू योर वर्क, आई एम रिक्वायर्ड टू कम, अरे बाबू ना, आई एम आल्सो रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई आई एम हियर। आप जरा पूछ तो लो, ये लोग कितने बजे के लगे? 2 बजे के लगे हुए कलेक्टर साहब। अरे आप जाके पूछो कितने बजे से लगे। अरे 2 बजे देखिए, मेरा अधिकार है आपसे बोलने का, मैं किसको बोलूंगा? आपको नहीं बोलूंगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, आपको यू हैव अथॉरिटी, यू हैव टू लिसन मी, यू हैव टू लिसन मी। नो नो, नॉट एनीथिंग, नॉट एनीथिंग, डजंट मीन एनीथिंग, यू हैव टू लिसन मी, नॉट नॉट यू हैव टू लिसन मी, नॉट द वे, यू हैव अथॉरिटी, आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? अरे कितने बजे से खड़े हो आप लोग? 2 बजे से खड़े हो, आप मुझे समझा रहे हो? अरे क्या कर रहे हो यार, अरे क्या बात करते हो कलेक्टर साहब? आप पूछो 2 बजे से खड़े हो, 2 बजे से फोन कर पा रहे हैं? एंड यू आर टेलिंग यू डोंट वांट टू लिसन मी, यू वांट
मैंने पहले ही आपको कहा था कि आप इतने वोट मत करवाइए यहाँ पर। आप लोग आप रात में पहुंचे कितने बजे तक खड़े हैं? 2 बजे से आप भी खड़ा अभी तक गोटी लाल पर क्या लगे रात तक शुरू हो रहा है? कितनी बार कहा आपको यहाँ पत्रकारों ने आपसे कहा? आप पूछिए जाके कितने बजे खड़े हैं लोग, कितनी बार रिस्पॉन्सिबिलिटी ना थोड़ा भैया कितने अरे सुबह से कह रहे हैं ये बॉस आपको चलो कह रहा है क्या बोल रहे हैं? अरे भैया कितने बजे से खड़े हो बोलो जरा, ये व्यवस्था है पूरे मध्य प्रदेश में गाय इतनी बड़ी लाइन है लाइन अभी तो वही मिल रही है इसको लेकर आ रहे हैं केवल अवारपुरा में नहीं अवारपुरा में नहीं सेकंड में भी चल रहा है जहाँ जहाँ माइनॉरिटी का एरिया वही चल रहा है बात कहीं नहीं चल रहा है। चलो अब ये लोग अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।